नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाचार और मैं बुधेश्वर शुक्ला और अभी मैं मौजूद हूँ कुचायकोट विधानसभा के रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि पांडे जी के कार्यालय पर, जो कि कुचायकोट विधानसभा से वे चुनावी तैयारी में भी लगे हुए हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में और क्षेत्र की जनता के दुख और सुख को जानने के लिए जनता के बीच लगातार अनवरत हैं। तो आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं उनके कार्यालय पर कि उनका क्या विजन है और क्या उम्मीद लेकर जनता के बीच आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि पांडे जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एजेंडा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरा एक ही नारा ही है यहाँ पे, रोजगार युक्त कुचायकोट, अपराध मुक्त कुचायकोट। फिलहाल हम मौजूद हैं कुचायकोट विधानसभा के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवि पांडे जी के कार्यालय पर, जहाँ से जानेंगे उनके विधानसभा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में कि उनकी क्या चाहत हुई कि वे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आतुर हुए और आज हमारे साथ वे मौजूद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबसे पहले आप कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और रालोसपा भी इसकी भरपूर तैयारी कर रही है, इस पर हम जानना चाहेंगे कि आपका कुचायकोट विधानसभा के बारे में विजन क्या है, मतलब कैसे आप देख रहे हैं इसको, इस चुनाव को, कि अगर नेता बनते हैं तो कुचायकोट विधानसभा के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले तो कुचायकोट में रोजगार लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मेरा एक ही नारा ही है इस चुनाव में, रोजगार युक्त कुचायकोट, अपराध मुक्त कुचायकोट। और यहाँ जो हमारे बेरोजगार युवा लाखों की संख्या में हैं और बॉम्बे, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, पंजाब में जाकर के नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और आज जो मैंने विगत लॉकडाउन में जो उनकी स्थिति में देखा, भूखे पलपते हुए पैदल 100-100 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर चल करके नौकरी छूट गई और बिहार आए, उनकी त्रासदी को देख के मेरा हृदय रवित हो गया। तो मैंने इस चीज को ठान लिया है कि कुचायकोट के नौजवान युवा साथी को कहीं भी बॉम्बे, दिल्ली जाना नहीं पड़े दूर, उनके लिए यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लगाना मेरा प्रथम उद्देश्य है कि हमारे कुचायकोट के जितने बेरोजगार युवा हैं उनको यही रोजगार मिले और यही रहकर अपने माता पिता का सेवा करें। यदि आप कुचायकोट विधानसभा से विधायक बनते हैं तो मेन मुद्दे, जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी दूर करेंगे, यही रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इसके अलावा कुछ और जो कि आम जनमानस के लिए हो, ये तो हो गया कि रोजगार के लिए, लेकिन आम जनमानस के लिए आप क्या कुछ करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी पार्टी की मेन नीति है शिक्षा पर, विशेष हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा को लेकर पूरे बिहार स्तर पर अभियान भी चला रहे हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षा को हम लोग कैसे और मजबूत करें, शिक्षा को कैसे यहाँ और बढ़ाएं। कोई डिग्री कॉलेज यहाँ बड़े स्तर पे नहीं है, वो कई मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बड़े स्तर पे यहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा क्षेत्र को भी मजबूत किया जाए और जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं जैसे सड़क, मैं कल निकला था सिपाया खास, सिपाया जो हम जो एरिया है वो मटनिया, खाला मटनिया जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ के रोड की सड़कें इतनी भयावह है कि गाड़ी हमारी मतलब गिरते गिरते कई बार बची। तो वहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोड कैसे ठीक किया जाए, कैसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ अपराध को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, दिनों रात रंगदारी मांगा जा रहा है लोगों से, कहीं भी किसी व्यवसायी के यहाँ बम फेंक दिया जा रहा है, अभी हमारे इसी कुचायकोट विधानसभा में कई घटनाएं घटी हैं। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ठीक किया जाएगा, सड़क उसमें है, नाला एक सबसे मूलभूत सुविधा मैं देखा हूँ, यहाँ के 90% गाँव में नाला नहीं है, लोग जो पानी जो यूज कर रहे हैं, गंदगी जो यूज कर रहे हैं, उसका पानी सीधे रोड पर जा रहा है, जिस कारण जो रोड बन भी रहा है वो टूट जा रहा है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ 90% गाँव में नाला नहीं है, तो नालीकरण करवाना ये भी मेरे मुद्दे में शामिल है। लगातार जिले में चीनी मिल बंद होते आए और उसी कड़ी में अगला कदम हुआ अपने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का सासामूसा चीनी मिल, जो कि लगभग बंद होने के कगार पे है, बंद होता है, चलता है, और इसी में किसानों की मोटी जमा पूंजी
उस चीनी मिल के पास फंसी हुई है। विगत कई सालों का पैसा चीनी मिल का किसानों का चीनी मिल के पास फंसा हुआ है। इसके लिए आपने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है कि अगर आप नेता बनते हैं यहाँ के किसानों की मांग को अपने समक्ष कैसे रखें? जी बिल्कुल, मेरी पूर्ण रूप से इस पर मैंने इसकी स्टडी की हुई है। सासामूसा मिल के ऊपर लगातार मैं चूंकि देखते आ रहा हूँ और यहाँ की स्थिति, किसानों को कई बार यहाँ हड़ताल, वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो मेरा मेन मोटो रहेगा कि चायकोट में सासामूसा मिल को चालू कराना। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कुचायकोट की जनता मुझे आशीर्वाद स्वरूप मुझे विधानसभा सदन भेजती है, मैं उनके बेटा के रूप में काम करते हुए पहला सासामूसा मिल को तत्काल चालू कराएंगे। ये मैं आज आपके सामने मैं प्रण लेता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि कुचायकोट सासामूसा मिल चालू होगा और जो भी हमारे किसान भाइयों का जो बकाया रुपया है उसको दिलवाने का मैं काम करूंगा। पांडे जी, आप पूर्व में कई पदों पर भी आसीन रह चुके हैं नौकरी क्षेत्र में, और उसके बाद से काफी अच्छा खासा व्यवसाय भी आपका है, लेकिन फिलहाल उसके बावजूद आपने राजनीति में आने की ये चाहत कैसे उपज हुई आपके अंदर कि आप विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए कुचायकोट आए, या फिर आपके मन में वैसी ललक जगी कि आप राजनीति में आकर के और जनता की सेवा कर सके? सबसे पहले तो मैं राजनीति में उतरने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गौरीशंकर पांडे, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सजाए काला पानी उन्होंने काटा था और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष भी रहे, वो हमेशा जनसेवा करते रहे। मैं भारतीय दूतावास में भी नौकरी में किया, कई कंपनियों में मैंने नौकरी की, तो मैं जब भी आता था गांव पे तो बाबूजी को मैं देखता था। बाबूजी मेरे कोई राजनीति के नहीं थे, एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से जो लोग भी उनके पास आता था समाज सेवा के लिए, आज यहाँ इंदिरा आवास के लिए, इसके लिए मेरे बाबूजी हमेशा उनके साथ डीएम के पास ले जा रहा, उनकी जितनी पूर्ण रूप से मदद हो रात दिन करते थे। तो मैं उनको देखते देखते मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि बाबूजी चूंकि राजनीति से आज के राजनीतिक प्रदेश से घृणा करते थे, लेकिन चूंकि अब उसी में जीना है तो मैंने इसको प्रण किया कि मैं अपने बाबूजी के कार्यकलापों को आगे ले जाऊं, और इसके लिए मैं राजनीति में आया कि कैसे इसको पूरा करूंगा। तो मुझे लगा कि राजनीति में आने के बाद ही मैं लोगों की पूर्ण रूप से मदद कर सकता हूं। तो बाबूजी की पथ कमलों को देखते हुए मैं राजनीति में आया हूं, जनसेवा की भावना बाबूजी ने मुझे खींच लिया है। युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं आप रालोसपा के, और कुचायकोट विधानसभा हो या गोपालगंज जिला हो, यहाँ युवाओं को खासकर चुनाव के समय ही यूज में लाया जाता है, उनकी बात होती है, चुनाव बीतने के बाद उन पर कोई विशेष कार्य योजना नहीं दिखती किसी भी प्रत्याशी की या किसी भी सांसद विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि की। आप यहाँ के युवाओं को किस नज़र से देखते हैं और जीतने के बाद युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष होगा आपके लिए? सबसे बड़ी बात तो मैं खुद ही युवा हूँ, और एक युवा ही एक युवा का दर्द समझ सकता है। तो युवाओं के लिए मैंने खास एक प्रोग्राम तैयार किया है कि हमारे गोपालगंज जिले के युवाओं को कैसे देश में नाम ऊंचा कर सके, वो उनके लिए मेरी एक खास रणनीति है जिसकी जो जल्दी मैं खुलासा भी करूंगा, एक मैं किताब भी जारी करूंगा अपने युवाओं के लिए कि उनका कैसे गोपालगंज के युवाओं को पूरे देश में नाम ऊंचा कर सके। वैसे भी गोपालगंज जिला हमारा काफ़ी, हमारे यहाँ के युवा काफ़ी IAS IPS गोपालगंज जिला ने नाम रोशन किया है, तो मैं यहाँ एक रणनीति बनाया हुआ हूँ कि गोपालगंज के युवाओं को और कैसे प्रोत्साहन और उनको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, इसकी रणनीति की भी खुलासा मैं करूँगा। ये मेरे मेन मुद्दा युवाओं को आगे बढ़ाने का ही है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ। महागठबंधन, आपका रालोसपा भी महागठबंधन में शामिल है, और काफ़ी रालोसपा के भावी प्रत्याशी क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, और रालोसपा एक महागठबंधन का अंग है, जबकि महागठबंधन के राजद के काफ़ी सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं क्षेत्र में, और आप भी दौरे में हैं जनसेवा के लिए, जनता के दुख दर्द को समझने के लिए फील्ड में हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ इस बारे में बताइएगा हमको कि टिकट का कुछ अनुमान हो कि यहाँ पे सीट रालोसपा की होगी या राजद की होगी, या किसी अन्य सहयोगी दल को मिलेगा टिकट कुचायकोट विधानसभा से?
कि ये कोई मुद्दा नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा मेन मुद्दा है महागठबंधन को यहाँ से जिताना। और महागठबंधन के में कई सहयोगी पार्टी हैं, कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी है, आरएलएसपी हमारी पार्टी है, अभी कल ही सीपीआई सीपीएमएल से भी हम लोग का गठबंधन हो गया है, तो तमाम पार्टियां हैं। तो महागठबंधन में को जिताना उद्देश्य है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, किस पार्टी को सीट जाएगा, ये तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी तय करेंगे। अगर रालोसपा के खाते में जाएगी तो वो किसको लड़ाएंगे ये उनको देखना है। लेकिन हम जो घूम रहे हैं सिर्फ महागठबंधन की जीत हो, और उस जीत के उद्देश्य से मैं लोगों का जनसहयोग मांग रहा हूँ और मुझे भरपूर समर्थन इस पर मिल रहा है। कुचायकोट विधानसभा में दो प्रखंड आते हैं जिले के, कुचायकोट प्रखंड और पंचदेवरी प्रखंड। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है जिसमें 31 पंचायत हैं, और इसी तरह से पंचदेवरी प्रखंड जो 9 पंचायतों को लेकर के कुचायकोट विधानसभा में वहाँ के लोग मतदान करते हैं या फिर समर्थित हैं यहाँ कुचायकोट विधानसभा के लिए, उनके विकास के लिए वहाँ लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है जो कि वहाँ के लोगों की प्रमुख मांगों में से एक है, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, जैसे कि वो जिला मुख्यालय से थोड़ा सा सुदूर माना जाता है, पश्चिमी क्षेत्र उसको माना जाता है, और क्राइम अपराध रोकने के लिए वहाँ कोई अभी तक थाना का स्थापना नहीं हुआ। वहाँ के लोग भोरे विधानसभा में पड़ने वाले कटिया थाना में जाते हैं अपने ऊपर हुए अत्याचारों को लेकर के, इसके लिए कुछ कहेंगे शिक्षा स्वास्थ्य और वहाँ के अपराध को रोकने के लिए कुछ अगर थाने की व्यवस्था हो? सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अपराध, कैसे शिक्षा में यहाँ शिक्षा को मजबूत किया जाए, इसके लिए एक कई अच्छे डिग्री कॉलेज का निर्माण यहाँ कराया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती लाई जाएगी। रोजगार का मैंने पहले ही कहा कि हमारा मेन मोटो ही रोजगार, युवाओं को रोजगार देना हो, ये मैं कुचायकोट की बात विधानसभा के नहीं कर रहा, पूरे जिले के युवाओं को रोजगार मिलेगा अगर यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी। और मैं चूंकि मेरा व्यवसाय मध्य प्रदेश में भी कई जगह है तो मैं वहाँ देखता हूँ कि छोटे छोटे कई प्लांट बैठे हुए हैं जिसमें 100, 200, 500 युवाओं को रोजगार उसमें मिलता है, उस तरह का मैं मोटो यहाँ भी लेके आऊँगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, जो भी है जर्जर स्थिति में, तो सरकार से मैं लग के यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करके स्वास्थ्य सुविधाओं को अस्पतालों को स्टैंडर्ड बनवाया जाएगा, स्वास्थ्य को मजबूत दृष्टि दी जाएगी, मजबूत स्थिति में लाया जाएगा, ये तो मैंने पहले ही कहा। तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और अपराध, मैं फिर कह रहा हूँ अगर कुचायकोट की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो कुचायकोट से अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जो भी अपराधी हो या तो छोड़ देंगे जिला या उनको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया जाएगा, ये मेरा मेन उद्देश्य है। अपराध को सफाया निश्चित, हम लोग इस बार यहां से अगर जनता आशीर्वाद देती है तो अपराधियों का सफाया तय है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए करें। बहुत धन्यवाद आपको, आपने भी मुझे समय दिया, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, आप लोग भारत के मीडिया के जो एक स्तंभ हैं उसको निस्वार्थ पूर्वक ऐसे ही चलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।